मेरा नाम जी हरिदेंशु है। किस तरह देखते हो जो तुम अज जज की पदवी पर पहुंचे हो, कि संघर्ष करना पे कि स्टडी करती कि संघर्ष तो जी इंसान के जीवन का एक पार्ट हों, हर व्यक्ति संघर्ष करना पैदा। कोई भी अपने जीवन के उगी प्राप्ति करने लिए तो एक संघर्ष के जीवन गुजरना पैदा। तो अज जी मैं इस मुकाम पर पहुंचा तो वो संघर्ष एक बहुत अहम रोल प्ले करता, क्योंकि अज तो मैं सारी दुनिया देख रही है पर जो मेरा संघर्ष है वो सिर्फ मैं जानता। जिस बंदे ने पिंड की हंडाई होंगी है वही उस संघर्ष को जान सकता। सो जो मेरा अज दुनिया देखूगी या मैं अज थोड़े रूबरू हुआ वो पीछे जो संघर्ष हैगा उन्होंने बयान करना मेरे लिए इस वेले शब्दों के पॉसीबल नहीं है। तो जिथे तक पढ़ाई का सवाल है जी, मेरा मानना यह है भी कोई भी व्यक्ति नूं पढ़ाई उन्नी देर करनी चाहिए जिनी देर तक वह मन लगता है। यदा कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं होंदा, तो जदों तक थोड़ी एकाग्रता बनी रहे, तुसीं थोड़ा मन पढ़ाई च लग्या रहे, उन्नी देर थोड़ा पढ़ना चाहिए जी। किन्नवा रैंक आया तुहाडा? मेरा जी 6th रैंक आया पंजाब दे विच। इस दे पिछे किन्नी कि मेहनत मशक्कत करनी पई, किस किस दी इहदे विच तुहाडे नाल मदद रही, किवें रही? ये जर्नी दे विच जी ये मैनू लगता भी कोई बहुत इट विल नॉट डू जस्टिस जे मैं किसी एक बंदे दा नाम लवां। आई डोंट थिंक सो कि कोई एक व्यक्ति मैं इसका क्रैडिट देना चाहूँगा। सब तो पहले तो इट इज़ ऑल द ग्रेस ऑफ गॉड दैट वी हैव बीन ब्लेस्ड विद दिस अपॉर्चुनिटी टू अचीव दिस थिंग टूडे। एंड आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट माई ऑल द वेल विशर इंक्लूडिंग माई पेरेंट्स, माई रिलेटिवस एंड माई फ्रेंड्स एंड माई टीचर्स, बिकॉज टीचर तो बिना तो स्टूडेंट कदे भी कामयाब नहीं हो सकता। तो कहते ने भी कोई भी व्यक्ति है वो किसी भी मुकाम च पहुँचता है वो टीचर का बहुत बड़ा रोल होंगे। तो मैं अपने सारे वेल विशर्स नूं इहदा योगदान दिंदा, क्योंकि जो कोई भी व्यक्ति किसी मुकाम पर पहुँचता है तो वह कल्ला नहीं पहुँच सकता, उस योगदान उसकी कामयाबी पिछे कई लोगों का योगदान होंगे। तो मैं अपने सारे वेल विशर्स नूं इहदा क्रैडिट दिंदा। टीचर तुहाडा यही सी भी जजे बनना जो होर भी सी पहला आया भी यही लाइन सोच के? टीचा जी ये मैनू मेरे फादर ने इंस्पायर किया सीगा भी तुसी इस लाइन दे विच जाओ। तो उस तो बाद मैंने इनू अपना मुख मंतव बना लिया जीवन का, क्योंकि मैं सोचना भी कदे भी कोई बच्चा हुंदा उहदे पिछे उहदे माँ बाप का बहुत वड्डा योगदान हुंदा है। माँ बाप अपने बच्चे नूं अगे लियाउण लई बहुत संघर्ष करते हैं, तो हर बच्चे का यह एक जिम्मेवारी होंगी है कि वह अपने माँ बाप अपने रिलेटिव अपने वैल विशर्स के सपन लिए खुद अगे आके उन्होंने एफर्ट करे, तो उन्होंने अपने सारे वैल विशर्स पेरेंट्स को माण महसूस करावे जिन्होंने थोड़े जीवन में इन्नी वड्डी योगदान दिता होंगे। जर्नी के प्रॉब्लम्स भी आई होनियाँ फेस किया? देखो जी जर्नी के प्रॉब्लम्स का आना एक लाजमी जी चीज़ है। लाइफ इज़ नॉट अ बैड ऑफ रोजिज, इट इज़ अ बैड ऑफ थॉर्नस, एक बड़ी फेमस कहावत है अंग्रेजी की। जिहड़ी जिंदगी है उहदे विच तुहानूं हमेशा सुखावें पल नहीं मिलणगे। तो मैं जेकर अपनी जिंदगी दे बारे गल करां, जदों मैंने लॉ पास आउट की तो देखो हर बच्चा सोचता भी जदों वह लॉ पास आउट करेगा तो उसनू एक वधिया करियर नूं शॉर्ट करन लई कोई प्लेटफॉर्म मिले। आई अपीयर्ड लास्ट टाइम इन हरियाणा ऑलसो, तो उस हरियाणा दे विच मेरा एग्जाम क्वालीफाई हो गया सी, बट इंटरव्यू दे विच मैनू नंबर नहीं मेरे नंबर नहीं आए सीगे, इस करके मैं लास्ट टाइम HCS नू सिलेक्शन नहीं लै पाया सी। पर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो एक इट वॉज़ अ ब्लैसिंग इन डिस्काइज फॉर मी एंड फॉर्चुनेटली आई हैव बीन ब्लैस्ड टू अचीव द 6th रैंक इन दिस पंजाब जुडिशियल। सेलिब्रेट किस तरह कर रहे हो सारा, किवें बयान करोगे अपने शब्दों? सेलिब्रेट तो सर देखो टुडे आई एम विद ऑल माई फ्रेंड्स रिलेटिव एंड माई वेल विशर्स माई पेरेंट्स, एंड इस बयान करना मैं कहूँगा इट आई कैन नॉट एक्सप्लेन दिस बिकॉज इट विल नॉट डू जस्टिस फॉर वॉट हैव दे गिवन मी सो फार, एंड आई कैन नॉट एक्सप्लेन दिस बिकॉज इट इज समथिंग विच कैन ओनली बी फेल्ट एंड सेंस्ड एंड कैन नॉट बी एक्सप्लेन इन वर्ड्स। सो आई सिंसियरली अपोलोजाइज दैट आई डोंट हैव द एक्यूरेट phraseology for explaining my pleasure and that is it. ਹੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਮਜੂਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ? ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ
कि देखो फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस. इफ आई हैव अचीव्ड समथिंग टुडे दैट डज नॉट मीन दैट आई हैव अचीव्ड इट इन माई फर्स्ट गो. आई हैड टू फेस द फेलियर इन द हरियाणा इंटरव्यूज जिहदे विच मैं बहुत थोड़े नंबरों तो रह गया सीगा. तो बट मैंने उसनू दिल ते नहीं लाया. तो मैंने सोचा सी भी जे अज फेलियर है कल दिन भी चढ़ूगा तो सानू एक पॉजिटिव नोट पर जिंदगी भी अगे वधना चाहिए है. तो मैं एक बड़ी फेमस लाइन भी याद आती है उसते रॉबर्ट फ्रॉस्ट की. उन्होंने कहा सी वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसज टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप. दिस इज़ माई मैसेज टू ऑल दी यंग फैलोज. ये एक हिड इट मतलब ये थोनू बहुत ही सरल शब्दों के दसदी है भी तुसी हमेशा जिंदगी दे विच अगे वधन लई तत्पर रहने चाहिए हो. तो जिहड़ी जिंदगी है बंदे दी ओह कदे भी एक सैचुरेशन पॉइंट ते ना हुंदे होए उस दी जिंदगी दे कई जिहड़े मील ने उहनू अगे वधन लई पूरे करने चाहिए ने. तो दी जर्नी इज़ एंडलैस ते वी हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड. जज की पोस्ट बहुत बड़ी पोस्ट होंगी है, किस तरह देखते हो जो है न्याय वास्ते जो है लोग अज भी फिरते हैं कोर्टा में? आई बिलीव दैट द पोस्ट ऑफ जुडिशियल ऑफिसर इज़ अ सैक्रोसेंट एंड सैक्रोसेंट एंड इट इज़ अ प्योर फाउंटेन ऑफ जस्टिस इन विच द पीपल हैव बेस्टोड देयर फेथ एंड अपॉन फॉर विच दे लुक अप टू द जजेस टू discharge the burden which the judges carry on their shoulder to stand up to the expectations of the people so that they can protect their rights in accordance with the law established by the constitution. Te is nu madde nazar rakhte hoye judiciary ik stamb hai. Te je kar eh stamb apna onus discharge karuga ta hi is desh de vich लोगों को न्याय मिलेगा तो वह अपने हकों को प्राप्त कर पाएंगे. भैया एब्सोल्युटली डिलाइटेड, इसने मेरा हमारा नाम रोशन किया तो भगवान की कृपा से हम बहुत खुश हैं. और हमें मान है अपने बेटे पे, इसने बहुत स्टडी की, बहुत स्ट्रगल किया तो ही अचीव्ड दिस डिस्टिंक्शन. यदा सिर्फ काम पढ़ना ही हुंदा सी जी, बहुत ज़्यादा पढ़िया बच्चा मेरा, बहुत पढ़िया, इन्हें मेहनत बहुत की आ, साडा नाम रोशन किया. माता पिता का सुपना होंगे कि बच्चा कोई मुकाम हासिल करे, खुशी साझा करना? मैं बयान नहीं कर सकता जी कि मैं सैलीब्रेट करना, बहुत खुश हाँ मैं अज नाम रोशन किया नाभे का, साड़ी बार का वकीलों का, बार के बच्चे प्रैक्टिस भी करता रहा, उतों यदि जी परसनैलिटी पॉलिश हुई है वकीलों ने की आई एम प्राउड ऑफ हिम जी. मैं आज बहुत खुश हूँ अपने गुरु जी को, अपने प्रभु को, उनका बहुत बहुत उनकी अपने तह दिल से उनका बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ कि जो आज मेरा बेटा इस मुकाम पर पहुँचा जो दुनिया में अपने पापा का नाम रोशन कर रहा है. क्योंकि इसके पापा की ये बहुत अंदर से इच्छा थी कि मेरा बेटा जज बने, मैं नहीं बन पाया तो मैं अपने बेटे के अपने आप में छवि में देखना चाहता हूँ. आपका एक ही बेटा है? हाँ जी मेरा एक ही बेटा है. रिलेटिव्स दे फोन आ रहे होने, किस तरह देख रही हूं सारी? बहुत खुश हूँ मैं आज. आज मुझे वो खुशी नसीब हुई है जिसकी कि मैं बहुत सालों से इंतजार कर रही थी. इस दे पीछे कितनी की मेहनत मशक्कत मां-बापां दा भी उन्ना की सपोर्ट हुंदी है कि नहीं? हाँ, मेरा बेटा रात को पढ़ता था, मेरे को रात को कहता था मम्मा भूख लगी है, तो मैं उसको रात को खाना बना के देती, जो चीज़ मांगता था तो मैं उसी टाइम देती थी. तो ये मेरा बेटा उस सारी सारी रात पढ़ता था, सारा सारा दिन पढ़ता था. इस टाइम बहुत खुशी का माहौल है, मेरे सारे बहन भाई सब रिलेटिव्स यहाँ पे खड़े मौजूद हैं तो मुझे बहुत खुशी है. साढ़े लिए बड़ी खुशी की गल है, बड़ी माण की गल है. साढ़े इस बच्चे ने बड़ी दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत करके साढ़े शहर का, साढ़े सोसायटी का, साढ़े दोस्तों रिश्तेदार भरावान का इन्हें नाम रोशन किया, असीं इन्हूं बड़ा वधाई का पात्र है. कितनी खुशी है जो खुशी तो कल दे उन्हें पैर नीचे लग रहे, कोई याद नहीं कर रहे भी क्या करिए, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत की है बच्चे ने. यह नहीं साड़ी ख्वाहिश थी भी जल्दी जल्दी जज बने, बहुत खुशी है सारे शहर के हो रहे हैं. हाँ पूरे मैं गुंडियाने तो हाँ जी. ये बच्चे का मतलब बचपन मेरे को गुजर हो, मेरे आंगन के खेडे हुआ है, बहुत मेरे ने शरारत की हुई ने, बड़ा मतलब यदा जो थोड़ा दसा तो बहुत ही मेरे वास्ते मतलब काफ़ी औखा है,
मेरा जो बचपन मेरे को गुजरिया होया मैनू ये बड़ा प्यार है, इनू भी मेरे बड़ा प्यार है। हाँ जी असी तो सैलीब्रेट, मेरा बेटा बैठा है, जब मेरे बेटे मैं दसिया भी हनी अपना सिलेक्ट हो गया तो मैंने कहा पापा जी मेरे जिन्ने थोड़े पैसे खाते च पाया मैनू पा दौ। ये रात को सारा होटल के इन्होंने गाना भी लाया, मुंडा कहता जज बनना है सारा गाना ला के बहुत हसे नफे रफे। ये मैंने कहता भी पापा तुम बठिंडे आ जाओ, पर मैं जा नहीं सकिया क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं सी। पर इन्होंने बड़े मतलब सैलीब्रेट किया, उन्ने चक के साडा एक ग्रुप बनया होया, इन्हें ग्रुप च पाता सुबह तो लैके सुबह 4 बजे तो मैं लोगों के फोन आ रहे हैं भी थोड़ा बेटा जज बन गया, थोड़ा बेटा जज बन गया, इन्ने फोन आ रहे हैं भी मैं सानू पाठ करने का टाइम नहीं मिले, मतलब सुबह से मतलब फोन ही सुन रहे बच्चे। इस चीज़ की पूरी खुशी है, बहुत खुशी है जी, बहुत खुशी है, नचे टप्पे असी खूब रात जी। मैं इस बच्चे से बहुत खुशी हुई है, इस बच्चे ने बहुत मेहनत की है मेरे ने, इन्हें इस मुकाम पर पहुँचे है, इन्हें सारा दिन पढ़ाई करके हर टाइम मतलब मामा जी का ख्याल रखता सी, ते इन्हें बहुत अच्छी तरह मतलब सारे रिश्तेदारों भी अटेंड करता सी, ते सारे अपने भैन भाइयों भी अपना पूरा सहयोग दिंदा सी। ते आज बहुत ही खुशी की गल है कि इस बच्चे ने इस निकाम ते पहुँचा है कि ये जज की पदवी ते प्राप्त होया, ते पूरा न्याय करेगा, ये मैनू पूरा विश्वास है। जो टीचर की जी ख्वाहिश होंगी है भी जोड़ा सा स्टूडेंट है बड़े मुकाम पर पहुंचे, अच्छे बड़े मुकाम पर पहुंचे, किस तरह देख रही सर गल है जी? शायद उन्नी खुशी इस बच्चे दे इस बच्चे खुद नू जां पेरेंट्स नू जां होर नू नहीं होएगी जिन्नी अज सानू महसूस हो रही है। साडा मतलब जोड़ा एक मान देना जो सिर उच्चा होया, ठीक है ना, जो मैं बच्चे मतलब महीना 2 महीने वो पंजाबी पढ़ाई आ, तो मैं जो देखा बच्चे दे ग्रिप पावर बच्चे की बहुत तगड़ी सी, बच्चे की कैचिंग पावर बहुत तगड़ी सी। वड्डी गल ये हुंदी है कि जो कम बच्चे ने देता वो अगले दिन बच्चा करके आता, इस सक्सैस के सब तो वड्डा राज यही रहा कि जो बच्चे कम देता सो उन्हें बच्चे ने करके आनी है। बहुत खुशी महसूस हो रही, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। पहले हैगा सी मतलब तुहानू भी अंदाजा सी पूरा जी? पूरा पूरा, बल्कि मैं तो इस गल्ल ते हैरान जी, रैंक 6 क्यों आ, रैंक 6 ही क्यों आया, टॉपर क्यों नहीं आया बच्चा? जो मतलब कि मैं एक बच्चे विच क्वालिटी देख रहा सीगा, बहुत मतलब तुसी ला लो भी एक हुण ऐसा हुण हर बच्चा परमात्मा करे हर घर पैदा हो गया जी। जेकर जज्बा होवे तां कुछ भी जरूर जो सर, वाई नॉट, वाई नॉट। मैं कहना जी सर जो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इस बच्चे की है, ठीक है ना जी, तो ऐसे बच्चे ही मतलब कि जो ने इस मुकाम तक पहुँच सकते हैं।